हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द ऑप्शन स्ट्रेटजिस्ट। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा थैंक्स सो मच, आपने इस वीडियो को बहुत पसंद करा जो मैंने ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट डाला था। एंड गाइस मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं अपने सारी स्ट्रैटेजीज निफ्टी और बैंक निफ्टी और नो इंडेक्स में ही देता हूँ। सो कुछ स्टॉक्स के लिए जो ऑप्शंस में अगर कोई स्ट्रैटेजी हम स्टॉक ऑप्शंस पे करना चाहें तो उसके लिए कोई वीडियो बनाएं, तो मैंने आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। ये मैं ऐसी एक सेफ स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप बहुत इजीली 4% तक मंथली रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि 2% इसमें जैसे ही हम रिटर्न बनाएं सेफली हम उसको एग्जिट कर जाएं, राइट। सो वी विल टारगेट 2% रिटर्न इन दिस स्ट्रैटेजी इन फॉर 15 डेज। एंड ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, और अगर गाइस आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो स्टॉक ऑप्शंस में तो आप ये ओआई ट्रैकर है इसमें देखिए, हम ये स्टॉक डैशबोर्ड में हमने ये सारे स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। जैसे ये देखिए आईटीसी में ये जो ब्लू लाइन है ये डिफरेंस है डेटा का, और जो रेड लाइन है ये आपका स्पॉट है, राइट। सो ये देखिए ये कितने ईजिली आप इसमें आज देख सकते हैं कि जो आईटीसी 220 था उसके बाद ये बेरिश था 220 से मूव करके राइट 218 पे अराउंड क्लोज हुआ है, करेक्ट 218 217 तक का लो बनाया है इसने। सो आपको ₹3 का मूवमेंट आईटीसी में, जो बहुत बड़ी बात है एक इंट्राडे में, बहुत इजीली आप इससे फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये बहुत पावरफुल टूल है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, करेक्ट। एंड ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल दी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी अपडेट करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने आज भारतीय एयरटेल का इस पर पोस्ट किया था, और इस चैनल पर मैं अपनी स्ट्रैटेजीज लाइव डेटा मूवमेंट निफ्टी का, और ये देखिए मेरी एक मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी ये जो अभी चल रही है लाइव, सो ये सब मैं अपडेट करता हूँ रियल टाइम में। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दी ऑप्शन स्ट्रैटेजिस्ट, राइट। सो गाइस सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो इतने सारे स्टॉक्स हैं कि किस स्टॉक में हम एक ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पहले हमें सेफ्टी को चूज़ करना है, बिकॉज जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं मैं उसको इसलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता फॉर रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि वो बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है, उसमें कुछ न्यूज़ आने की वजह से उसमें मूवमेंट वन साइडेड मूवमेंट आ सकता है। सो प्लीज़ ऐसा स्टॉक लें जो जिसमें सबसे पहले वॉल्यूम अच्छा हो, ट्रेड लिक्विडिटी अच्छी हो, करेक्ट, जिसमें आप इजीली एंट्री और एग्जिट कर पाएँ बिकॉज ऑफ गुड लिक्विडिटी। तो ये जो स्टॉक्स हैं सारे हाई लिक्विड स्टॉक्स हैं जो मैंने ओआई ट्रैकर में आपको दिखाए हैं, करेक्ट। और सेफ स्टॉक अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इसमें देखिए कोई ऐसा स्टॉक जिसमें मूवमेंट बहुत कम रहता हो, ज़्यादा वॉलेटाइल ना होता हो, तो ऐसे स्टॉक का हमारा कौन सा है, सबका फेवरेट आईटीसी, राइट। सो ये देखिए 6 मंथ्स का मैंने चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, 6 मंथ्स में आप ये देखिए ये अगस्त में लास्ट, तो अगस्त से अभी तक 21 अगस्त से ये 200 के नीचे नहीं गया है, 206 इसका लो था उसके नीचे, 200 के नीचे नहीं गया है। एंड जो अक्टूबर में था वो इसने अराउंड 246, ये देखिए 246 इसका हाई अक्टूबर में था जो लास्ट, और उसके पहले इन 6 मंथ का हाई 262। सो अगर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो हम रेंज अपनी 200 से नीचे रखें ऑन पुट साइड, एंड जो कॉल साइड है टू वो अराउंड 245 अराउंड अगर ये रेंज रखें, तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें प्रॉफिट बनाने की, क्योंकि ये देखिए अराउंड 6 मंथ्स में भी उसने आईटीसी ने ये रेंज ब्रेक नहीं करी है, करेक्ट, ये बहुत ही रेंज बाउंड रहता है। सो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये चार्ट दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में आईटीसी का, ये 1 आवर कैंडल है और हमने दिसंबर तक का डेटा ले लिया है इस पर। सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आप क्या करेंगे, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं हम, ओके। ये देखिए सबसे पहले हम मार्केट इज एट 218 पे है अभी करंट, राइट, एंड टुडे इज 22nd February, ओके। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो ये लेवल होगा 225 का, राइट। इसमें सेकंड रेजिस्टेंस हम मैं ले सकता हूँ विच इज़ दिस 233, राइट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ जिससे ये इजी हो जाए, राइट। ये ग्रीन हम रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेंगे कलर इस, एंड थर्ड रेजिस्टेंस हमारा दिस लेवल 238, ओके। एंड जो सपोर्ट है हमारे, वो सपोर्ट हम क्या ले सकते हैं,
जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो दिस इज़ अराउंड 210 या 211 की रेंज में, दिस इज़ द फर्स्ट सपोर्ट, इसको मैं रेड कर देता हूँ, करेक्ट। एंड गाइस आपने देखा जैसे कि 206 का जो लेवल है वो लास्ट 6 मंथ्स का लो है, तो एक 206 पे हम एक मार्क कर लेते हैं, ओके। एंड थर्ड हमारा 200 अराउंड। सो ये हमारी एक रेंज हो गई अगर मुझे एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है इन ITC। सो क्या रेंज लूँगा मैं, अप साइड में 238 240 के लेवल के ऊपर, एंड डाउन साइड 199 या 200 के लेवल के आसपास, करेक्ट। सो दिस इज़ आवर रेंज। चलिए अब हम ऑप्शन में चल के देखते हैं कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं जब एक स्ट्रैटेजी आपको एक सेफ स्ट्रैटेजी बनानी है। सो ऑप्शन में देखिए ITC मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये स्ट्रैटेजी बिल्डर है इसमें, और ये हम 31 मार्च एक्सपायरी के लिए लेंगे क्योंकि अब फेब में आज 22nd ऑलरेडी हो गया है। सो फेब में तो ऑलरेडी अब 2 दिन बचे हैं, लेकिन 24th एक्सपायरी में, तो हम इसको मार्च एक्सपायरी के लिए देखेंगे। तो चलिए मार्च एक्सपायरी में ऑप्शन चेंज देखता हूँ। सो दिस इज़ दी ATM 220, और हमें क्या करना है गाइस, हमने जो रेंज ली है 200, ओके। सो हम 200 के बाहर सेलिंग करेंगे, ओके। 200 की अगर आपने देखा सपोर्ट था हमारा, सो 200 के बाहर जब हम सेलिंग कर रहे हैं हमें डेल्टा कितना मिल रहा है, हमें ऑलमोस्ट 9.5 का डेल्टा मिल रहा है, विच इज़ वेरी सेफ, राइट। और इसमें कुछ 0.9 का प्रीमियम चल रहा है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको 2 लॉट में सेल कर दूँगा, राइट। उसके बाद हम चलेंगे कॉल साइड में, और कॉल साइड में अगेन हमने जो रेंज बनाई थी 235 या 238 की जो है, इसके ऊपर देखिए 240, राइट। सो 240 की ये रेंज है, मैं 240 की रेंज ले सकता हूँ, इसको मैं सेल करूँगा 2 लॉट से। सो गाइज ये बेसिक हमारा एक 31 मार्च का स्ट्रैंगल बन गया है, करेक्ट, जिसमें हमारी रेंज क्या है, 193 से 242। अब हमें ये देखना है कि ये नेकेड हमने इसमें एक स्ट्रैंगल बनाया है, इसको हम हेज कैसे करें, करेक्ट। क्योंकि देखिए ये बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है, ये ब्लू लाइन देखिए ये कितना शार्प कर्व है इसमें, विच मीन्स कि जरा से भी वॉलेटिलिटी आएगी तो आपको लॉस देखने लगेगा यहाँ पे, और ये मार्च एंड तक जाके अगर इस रेंज में रहता है तब आपको प्रॉफिट देगा, ओके। सो अब इसमें हम देखें इसको हम हेजिंग किस टाइप से हेज करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी मिले एंड हम सेफ स्ट्रेटजी एक सेफ रिटर्न बना पाए, करेक्ट। सो फिर से हम देखते हैं इसको, हम अगर 195 हमने सेल करा है तो 2 लॉट्स, तो हम क्या करेंगे इसको 200 जो 1.1 है इसको हम 1 लॉट बाय करेंगे, ओके। सो मैं 1 लॉट बाय करता हूँ, ये मैं इनसाइड हेजिंग कर रहा हूँ, जैसे आयरन कॉन्डोर में क्या होता है आउटसाइड हेजिंग होती है, आयरन फ्लाई में भी आउटसाइड हेजिंग होती है, बट इस स्ट्रेटेजी में मैं इनसाइड हेजिंग कर रहा हूँ। अगर 195 हमने सेल किया है तो 200 से हम हेज करेंगे, बाय करेंगे, बट रेशियो क्या रखेंगे, 2 सेल्स टू 1 बाय, ओके। और मैं आपको बताऊँगा ये काम भी कैसे करता है। तो पहले देखिए 240 हमने यहाँ सेल किया है, और हम 235, ये 237 का जो स्ट्राइक हम इसको नहीं लेंगे गाइस, 235 का लेंगे, करेक्ट। ये 235 का स्ट्राइक हम 1 लॉट बाय करेंगे, ओके। सो अब देखिए हमारी स्ट्रेटजी कैसे बन गई है। सो ये कुछ आपको इस तरह का पे ऑफ ग्राफ दिखेगा, जिसमें ये 2 पीक्स हैं, राइट, ये पुट साइड में, ये कॉल साइड में, और ये बीच में हमारा, अब देखिए जो प्रॉफिट है, करेक्ट, वो कुछ 4480 है, यानी 4500 का हमारा मिडिल में प्रॉफिट है इस स्ट्रेटजी में। और सबसे अच्छी बात क्या है गाइज, इसमें ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन, जो वन स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ITC, राइट, इस 31 मार्च एक्सपायरी तक वन स्टैंडर्ड डिविएशन जो 66% जिसमें चांसेस होती है, 66% चांसेस है कि वो इस वन स्टैंडर्ड डिविएशन या इस रेंज के बीच में रहेगा, -1 से +1, करेक्ट। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी कोई आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अगर कोई डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट वो वन स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर हो। और देखिए दोनों हमारे कॉल एंड पुट साइड दोनों बाहर हैं, और गाइस इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए 91.96, ऑलमोस्ट 92% हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है,
क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो हमारे ब्रेक इवेंस हैं, राइट, जो ये ब्रेक इवेन है विच इज़ दिस पॉइंट, अगर मार्क ITC इस पॉइंट पे आके एक्सपायर होता है या इस पॉइंट, तब आपको यहाँ से इसके और आगे जाता है तब आपको लॉस होगा। अगर वो इस दोनों पॉइंट्स के अंदर रहता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स के, तो आप प्रॉफिट होगा, राइट। सो व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट्स? कि ITC 31 मार्च तक 189, गाइस कितना, 189 ऑन द डाउन साइड एंड 246 ऑन द अप साइड जाए। और हमने अभी क्या देखा कि लास्ट 6 मंथ्स में वो 206 का उसने लो बनाया और यहाँ हमारा लो क्या है, 189, करेक्ट। एंड फॉर हाउ मेनी डेज, वी आर देयर फॉर 1 मंथ अगर इसकी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। लेकिन गाइस हम इसमें कितना रुकेंगे, ओनली 15 डेज। हम अराउंड ट्राई करेंगे 15 मार्च से पहले पहले हम स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर जाएं। और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये देखिए ये क्या होगा, ये 15 डेज में आपको ऑलरेडी इसमें अंदर चली जाएगी और जो हम टारगेट करेंगे 15 डेज में कितना, 2% प्रॉफिट। वाई 2% गाइस? बिकॉज मैंने देखा है 2% प्रॉफिट आप बहुत सेफली बना सकते हो इस स्ट्रैटेजी से, राइट। आप इसको फिर से डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। अगर आप 15 मार्च को इसको एग्जिट करोगे, सो आप इसको फिर से ITC या किसी और सेफ स्टॉक में आप अराउंड 25th तक, ओके, 25th तक फिर आप डिप्लॉय कर देना फॉर अप्रैल एक्सपायरी, ओके। सो इस तरीके से एवरी 15 15 डेज में आप डिप्लॉय कर सकते हो एंड 15 to 20 डेज हम रहेंगे स्ट्रैटेजी में और 2% प्रॉफिट बनाएंगे, यानी कि 4% अराउंड मंथली हम इसमें टारगेट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी सेफ रेंज, ओके। सो गाइज वी गॉट अ वेरी गुड रेंज इन दिस। जो आपका नेट क्रेडिट है, जो क्रेडिट इन द मिडिल दिखा रहा है, विच इज़ अराउंड 4500, एंड जो इसमें मार्जिन है गाइज, मार्जिन देखिए इस स्ट्रैटेजी में आपको अराउंड 1,77,000, यानी 1,80,000 का मार्जिन है एंड 1% प्रॉफिट इसमें कितना होगा, राइट, 1,800। सो हम 2% जो है 3,600, जबकि 4,500 है मिडिल में, लेकिन हम 3,600 प्रॉफिट इसमें टारगेट करेंगे। और गाइस इस स्ट्रैटेजी में देखिए, आपने जब डिप्लॉय कर दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इसको कुछ भी नहीं करोगे। हम इसमें अपनी जो विनिंग साइड है उसको स्लोली स्लोली शिफ्ट करेंगे और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें शिफ्टिंग कैसे करनी है। शिफ्टिंग से क्या होगा गाइस, आपका जो प्रॉफिट इन द मिडिल है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है, करेक्ट। आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है, जो 2% आपका मैं 15 डेज बोल रहा हूँ, वो आप और जल्दी अचीव भी कर सकते हो, राइट। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, कैसे शिफ्टिंग करनी है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके। एंड अगर इसमें आपको एग्रेसिव कुछ मूवमेंट आता है तो आपको इस स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट करना है, राइट, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो जिससे इसमें आप सेफली, आप बिना लॉस के, अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी आता है तब भी आप एक बिना लॉस के कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो या फिर स्मॉल प्रॉफिट में आप ये एग्जिट कर सकते हो, करेक्ट। सो गाइज दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी जो हमने इनसाइड हेज करके बनाई है। हमारे जो सेल हैं वो क्या है, 195 एंड 240। 195 इज़ दिस पॉइंट एंड दिस इज़ 195, ओके, एंड दिस इज़ 240। ये हमारे पीक्स हैं। तो अगर 31 मार्च एक्सपायरी पे ये इन पीक्स पे, जो हमारे सेल पॉइंट है, अगर इन पे एक्सपायर होता है, सो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये देखिए 18,800, विच इज़ 10%, वो हम अचीव कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन हम इसमें एक्सपायरी तक नहीं रुकेंगे, हम पहले ही 15 मार्च तक एग्जिट कर जाएंगे, बिकॉज 15 मार्च तक ये जो थीटा डिके है ना, इन सेल स्ट्राइक्स में आपको मिल चुका होगा और टारगेट भी हम कितना कर रहे हैं, ओनली 2%, राइट गाइज। वाई 2%? बिकॉज देखिए, अगर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट सेफली बनाना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग से, सो 2% इज़ गुड इनफ एंड 4% इन अ मंथ इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, राइट। 4% इन अ मंथ अगर आप सेफली बनाते हो गाइज, 5 to 6% तो FD में मिलता है सेफ रिटर्न इन अ ईयर। यहाँ मैं बोल रहा हूँ 4% इन अ मंथ यू कैन डिप्लॉय। एंड गाइज ये जो स्ट्रैटेजीज होती है ना स्टॉक की, ये आपको टाइम भी नहीं मांगती है, या आप हार्डली 10 से 15 मिनट्स डेली बस आपको स्क्रीन टाइम देना है। मैं आपको अभी इसके एडजस्टमेंट और शिफ्टिंग एक्सप्लेन करूँगा। सो आपको डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट्स देना है और आपको इसमें ऐसे दो दो तीन तीन दिन भी ऐसे जाएंगे, आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, राइट। आपको इसमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है, 2 to 3 डेज भी आपको, और यह ज़्यादा भी हो सकता है,
कि आप पहले ही प्रॉफिट अचीव कर जाओ, हार्डली आपको 15 डेज में 1 या 2 एडजस्टमेंट या शिफ्टिंग करने पड़े, राइट। सो गाइस एक बार इसके ग्रीक्स भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ओनली 2 डेल्टा है। सो डेल्टा हमने इसका न्यूट्रल कर दिया है। और गाइस ये जो इनसाइड हेज है ना, ये इनसाइड हेज इतना अच्छा काम इसलिए करता है, ये देखिए जो पुट का डेल्टा है, पुट स्ट्राइक का, वो हमने सिर्फ 1 स्ट्राइक बाय करी है, उसका डेल्टा इज 12.2। एंड जो पुट का सेल का डेल्टा है वो टू, हमने 2 लॉट्स करे हैं, 2 लॉट्स का इज 18.7, विच मीन्स अराउंड 9, करेक्ट। सो जो आपका बाय स्ट्राइक है इसका डेल्टा ज़्यादा है देन योर डेल्टा ऑफ 1 लॉट ऑफ सेल। सो उससे क्या होता है बेनिफिट, जब मार्केट या जब ये स्टॉक नीचे मूव करेगा, करेक्ट। सो देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये आपको बताती है कि आप अगर सेम डे जिस दिन आप डिप्लॉय कर रहे हो T+0, राइट, उस दिन अगर मूवमेंट आता है तो आपको क्या है प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। सो देखिए अगर 218 से ये मूव करके 212, राइट, विच इज 6 रुपीज़ भी नीचे आ जाता है ना, तब भी आपको एक दिन में 6 रुपीज़ नीचे, इसमें अच्छा खासा मूवमेंट हो गया ITC के लिए, तब भी आपको सिर्फ 300 रुपीज़ का लॉस है। देखिए ब्लू, जो ब्लू बॉक्स है उसमें आपको 300 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस इसमें जो इनसाइड हेज है उसका डेल्टा फास्ट भागेगा आपके सेल से, विच मीन्स कि इनसाइड हेज का प्रॉफिट जो होगा वो फास्ट होगा और जो लॉस होगा आपका सेल में वो स्लो होगा, बिकॉज आपका हेज का डेल्टा ज़्यादा है और आपके हेज आपके सेल को प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, करेक्ट। लेकिन वो बिकॉज वो रेशियो में है, 2 सेल हैं और 1 हेज है, इसलिए वो आपको कब तक, ये देखिए जब ये ब्लू लाइन ये और ये नीचे यहाँ जाने लगेगी, विच मीन्स अब आपके जो सेल स्ट्राइक्स का लॉस है वो आपके पुट्स जो बाय है, जो हेज है, उससे ओवर पावर कर रहा है, जो सेल है वो ओवर पावर कर रहा है सेल का लॉस आपके बाय के प्रॉफिट को, इसलिए ये ब्लू लाइन यहाँ से कर्व होके नीचे जा रही है, करेक्ट। इसलिए गाइस ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप ग्रीक्स अंडरस्टैंड करते हो तो आपको पता होगा कि कैसे आप एक स्ट्रेटेजी को मैनेज कर सकते हो, राइट। सो इसलिए देखिए डेल्टा इसका न्यूट्रल है हमारा, जो थीटा है इसमें वो रुपीज़ में हम देखते हैं अराउंड 268 आपको 1 डे में थीटा मिल रहा है, राइट। यानी हम इसमें अगर 10 डेज रुकते हैं तो अराउंड 2600 का हमें इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ये देखिए जैसे जैसे डे पास होंगे थीटा और बढ़ता जाएगा, राइट। तो आपको 10 से 12 डेज में भी ये आपका 2% टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है, राइट। और इट्स अ वेगा भी देखिए इसमें ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 21 नेगेटिव है लेकिन ऑलमोस्ट न्यूट्रल वेगा है, कोई बहुत ज़्यादा वेगा नहीं है, गामा भी इसमें कुछ खास इफेक्ट नहीं है, राइट। सो इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। डेल्टा न्यूट्रल मीन्स कि ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है, ITC ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों साइड आपको प्रॉफिट होगा, इट्स अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, राइट। ओके गाइस, अब इसको कैसे हम इसमें शिफ्टिंग करेंगे और कैसे इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसके लिए ये देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं इसका एक सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ, और सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप अगर मार्केट या ITC नीचे आता है या एग्रेसिवली या ऊपर जाता है तो आप इसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एंड अपने कैसे अपनी विनिंग साइड को शिफ्ट करके आप प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये मैं एक सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में रिलीज़ करूँगा। उससे पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको लाइक करेंगे एंड आई अचीव 500 लाइक्स का टारगेट, आई विल रिलीज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, राइट। ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी स्टॉक में अच्छी लगी होगी, राइट। इसका एडजस्टमेंट और शिफ्टिंग अगर आप एक बार देखोगे तो आप ये बहुत इजीली डिप्लॉय कर पाओगे, आप ये बहुत इजीली डिप्लॉय कर सकते हो ITC में। और मैं आपको ये, मैं ये स्ट्रैटेजी सेव कर लेता हूँ, राइट, और मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे, राइट, आपको इसका अपडेट भी देता रहूँगा। ओके सो मैं इसको ITC मार्च स्ट्रैटेजी नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं इसका लाइव अपडेट भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहूँगा। सो अगर आपको आपको देखना है कि क्या रिजल्ट आए हैं तो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन करें और आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे कि इस स्ट्रेटजी मैंने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस बनाया। करेक्ट? ओके, थैंक्स, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।